टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिवाली के अगले ही दिन कई शहरों में हवा ने अपनी चाल बदल दी, जिसकी शुरुआत दिवाली की रात से ही हुई। पटाखों और आतिशबाजी के बाद हवा में मानो जहर घुल गया हो और अचानक दिल्ली और यूपी के कई शहरों में दम घोटने वाली स्मॉग दिखाई देने लगी। देखिए ये रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार पर पूरे देश में जश्न का माहौल दिखाई दिया था, पर दिवाली के अगले ही दिन कई शहरों में हवा ने अपनी चाल ही बदल दी, जिसकी शुरुआत दिवाली की रात से हुई। पटाखों और आतिशबाजी के बाद हवा में मानो जहर घुल गया हो और अचानक दिल्ली और यूपी के कई शहरों में दम घोटने वाली स्मॉग दिखाई देने लगी। प्रदूषण वाले इस धुएं ने लोगों को परेशान कर दिया और देश के कई इलाकों में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा। जमकर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा दम घोटू हो गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बृहस्पतिवार रात से ही 400 के पार चला गया और शुक्रवार को गंभीर श्रेणी में यानी 450 के ऊपर पहुंच गया। हवा नोएडा की रही, जहां AQI 475 दर्ज की गई। शनिवार की सुबह दिल्ली का कुल AQI 533 दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ की हवा भी काफी जहरीली दर्ज की गई। जैसे जैसे त्योहार पास आते हो, खास तौर से दिवाली का त्योहार, तो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है प्रदूषण की। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा बात करता है, NGT हमेशा बात करता है, पर कहीं ना कहीं आदेशों की अवहेलना का एक क्रम शुरू हो गया है। जब चाहे देश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली में 999 AQI चला गया था और आज भी वहाँ की जवाब हवा जो है वो जहरीली है, सांस लेने योग्य नहीं है। 500 के लगभग यहाँ पर AQI है और जो बहुत ही चिंता का विषय है। कहने को कह सकते हैं कि हालांकि पटाखे की इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसकी भी रही है, पर इसके साथ ये भी बता सकते हैं पटाखों के अलावा जो पराली जलाई जाती है, जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के द्वारा भी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्मोक हो जाता है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, AQI बढ़ जाता है। अगर हम वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ भी, बुलंदशहर भी, कानपुर, नोएडा, आगरा जैसे तमाम शहर हैं जहां पर दिवाली के दिन AQI 400 से ऊपर रहा। पटाखे जलाए गए, कोई रोक टोक नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि ग्रीन पटाखे बोल बेचे जाए, पर यहाँ पर केवल और केवल अवहेलना ही रही और प्रशासन भी अपने हाथ पे हाथ धरे रखा रहा। दिवाली की अगली सुबह पूरा दिल्ली, NCR और UP सहित कई पड़ोसी राज्यों पर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, गले में खराश, आंखों में जलन और आंसू निकल रहे थे। सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, मानो उनके लिए हवा से ऑक्सीजन ही गायब हो गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम जश्न के नाम पर किसी की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकते।
कोर्ट ने सिर्फ हरित पटाखों के इस्तेमाल की छूट दी थी। जबकि दिल्ली सरकार ने खराब होती हवा के मद्देनजर दिल्ली पर पटाखों की बिक्री, स्टॉक करने और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा था। इन सबके बावजूद त्योहार पर हुई जोरदार आतिशबाजी ने पूरा आसमान धुएं से ढक दिया। दिवाली के दिन प्रदूषण के आंकड़ों की जांच की गई तो पाया गया कि सप्ताह भर पहले के मुकाबले अब हवा की गुणवत्ता 2 गुना से ज्यादा खराब हो गई है। वहीं बीते साल की दिवाली की तुलना में भी इस साल की हवा में ज्यादा जहर घुला है। दिवाली की रात 10 बजे के बाद भारी प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा प्रदूषण ताजमहल के आसपास बढ़ा हुआ पाया गया। जबकि ताज को प्रदूषण से बचाने के नाम पर TTZ अथॉरिटी ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। केंद्रीय प्रदूषण इंडेक्स 429 रहा, जो महज 24 घंटे पहले 280 पर था। रात भर में आतिशबाजी के कारण प्रदूषण स्तर में एकाएक उछाल आया। वहीं दिल्ली की घुली जहरीली हवा पर आपके नेताओं ने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोयल राय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसका पिछले अक्टूबर के महीने में काफी सकारात्मक जो है परिणाम दिखे हैं। पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण अक्टूबर के महीने में दिल्ली में रहा, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी, आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। तो लगभग 1000 की जगह 3500 पराली जलने की घटनाएं, जिनका इम्पैक्ट आज दिख रहा है। साथ ही साथ मैं दिल्ली के उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने इंटेंशनली पटाखे जलवाए। प्रदूषण के मामलों में यूपी के 10 शहर इस लिस्ट में शामिल है। इन शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिखाई दे रहा है। न केवल दिवाली बल्कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर भी माहौल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। राजधानी लखनऊ में भी AQI 278 के पार है। अब जितने भी आंकड़े प्रदूषण के सामने आ रहे हैं, वो लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। आगरा बरेली सहित कई इलाकों में सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है।
जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो काफी डराने वाला है। और आने वाले दिनों में हवा और भी ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। तो ये था सारा जानकारी मैंने आपको दी। मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रदूषण जो है वो लगातार खतरनाक लेवल पर है, खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली की बात करें, चाहे देश की राजधानी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, कहीं भी व्यवस्थाओं ने अपनी को मेहनत नहीं की, कोई आदेश का पालन नहीं हुआ। चाहे प्रशासन की बात करें, या पुलिस की बात करें, सारे आदेश दिए गए, चाहे NGT का आदेश हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, पर यहाँ पर पटाखा जलाने के मामले में कोई भी आदेश को पूरा करता नजर आया। और आम जनता की बात तो यह है, खुलकर आतिशबाजी की गई। दिल्ली की अगर बात करें तो रात को 3 बजे तक आतिशबाजी की गई, जिससे AQI का लेवल जो है वो 999 पहुंचा है। भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में भी जम के आतिशबाजी हुई है और AQI लेवल हाई तक आया, 457 के लगभग AQI पहुंचा था। तो 457 का अर्थ सीधा सीधा साफ है कि हवा सांस लेने योग्य नहीं है, क्योंकि AQI अगर 170 से नीचे होता है तो वो AQI के हिसाब से वातावरण में जो हवा है वो सांस लेने के योग्य नहीं है। फिलहाल आगे क्या परिणाम होगा, फिर दिवाली पर नए आदेश जारी होंगे, सुप्रीम कोर्ट नया आदेश होगा और उस आदेशों की अवहेलना होती रहेगी, या फिर शासन कोई कड़ा रुख अपनाएगा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। पर एक बात साफ है, अगर हमने अब भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले भविष्य में हम सांस की बीमारियों से ग्रसित होते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, PRIME TV, लखनऊ। आज हम जिन भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो सभी हमारी ही देन है। समझदार होकर भी हम नासमझी करते हैं, जिसका खामियाजा हमें बीमारियों के रूप में सहना पड़ता है। हम हर चीज का दोष सरकार को देते हैं, पर खुद क्या करते हैं। सख्ती के बावजूद हमने पिछली बार से ज्यादा पटाखे जलाए और जितना लॉकडाउन में प्रकृति ने खुद को सुधारा था, एक बार फिर हमने इसे पहले से भी ज्यादा खराब कर दिया। त्योहार मनाने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन कम और सही पटाखों के साथ भी त्योहार मनाया जा सकता है। इससे प्रकृति और खुद को बचाया जा सकता है। आशा करते हैं आप समझेंगे और अपना सहयोग भी जरूर देंगे। फिलहाल प्रदूषण की इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए PRIME TV।